भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने रोहतक स्थित बाबा बालकपुरी के डेरे में आयोजित रामकथा में जमकर भजन गाया। उनके गाए भजनों पर पंडाल में उपस्थित लोग झूमने पर मजबूर हो गए। कैलाश विजयवर्गीय को सुर में भजन गाता देख लोग स्तंभ रह गए। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने चीते लाने का प्रस्ताव भले ही किया हो, लेकिन हमेशा परिणाम की पूजा होती है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी बंगाल में हर रोज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देखिए, संगीत तो संगीत होता है, फिर भक्ति रस, वीर रस, श्रृंगार रस सभी आ जाते हैं उसमें। के प्रदेश में चीते छोड़े गए हैं आज पुना पार्क में, बहुत सवाल उठ रहे हैं उसके ऊपर। कांग्रेस ने कहा है कि 2010 में इसका प्रस्ताव पारित किया था, 50 करोड़ रुपया भी दे दिया गया, लेकिन मोदी ने इसका कोई जिक्र नहीं किया। देखिए, परिणाम को लोग पूछते हैं, इसलिए जब परिणाम आया उसी की पूजा होती है। यूँ तो कुछ भी लोग सोचते रहते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं। सर, पिछले बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर जिस तरह बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आरोप लग रहा है आगजनी का, उसको लेकर क्या कह रहे हैं? नहीं, वहाँ तो डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ रोज प्रजातंत्र की हत्या होती है, तानाशाही है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है राहुल गांधी ने, उसको लेकर क्या राहुल गांधी वो कांग्रेस को जोड़ के रखे बस, कांग्रेस को जोड़ के रखे बस। लेकिन राहुल गांधी तो ये वही। कैलाश विजयवर्गीय ने रामकथा में जमकर भजन सुनाए। उनके गाए भजनों पर पंडाल में उपस्थित लोग झूमने पर मजबूर हो गए और जमकर थिरके। देखिए तस्वीरें। रोहतक से दिनेश कौशिक, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।